दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे आपने मुझे कमेंट किया था कि सर मल्चिंग के बारे में थोड़ा बताएं कि मल्चिंग क्या होता है और इसके साथ ही कैसे टमाटर की खेती हमें करना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से, तो आज हमारे बीच में कुछ अनुभवी किसान और उद्यानिकी विभाग के कोई हमारे सर हैं जो ये आपको बताएंगे कि टमाटर में क्या क्या सावधानी रखनी है और मल्चिंग क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अभी सर से मैं आपकी चर्चा करवाता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मैं आलोक हाडिया, ग्राम मुंडला 2000 उज्जैनी के पास में मेरी खेती है, जो मैं पिछले पाँच सालों से मल्चिंग और ड्रिप पे और तार बांस बल्ली जिसको कहते हैं अपन, इस पे खेती का काम कर रहा हूँ। अब रही अपन बात स्टार्ट करते हैं मल्चिंग से, तो मल्चिंग आपको मेरे खेत में लगी टमाटर में दिख रही होगी। ये बेसिकली 20 माइक्रोन से लेके 30 माइक्रोन तीन तरह की अलग अलग आती है। अपन एक मान के चले गांव के अंदाज में कि 20 माइक्रोन वाली जो पतली पन्नी होती है वो सिंगल फसल के लिए होती है, हम लोग 30 माइक्रोन यूज़ करते हैं। 30 माइक्रोन का थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है, मगर इसका ये है कि हम इसको टमाटर को उखाड़ के इसी छेद में हम दूसरी फसल गर्मी की ले सकते हैं ना। 30 माइक्रोन की मल्चिंग को हम एक साल चला सकते हैं, कम से मतलब अपन एक साल से ज़्यादा की बात तो नहीं करते, मगर एक साल चला सकते हैं। और मैं ये मतलब पूछना आपसे चाहता हूँ मल्चिंग के बारे में, मल्चिंग क्यों लगाएं किसान जी, इसका क्या मतलब आप कैसे देखते हैं इसको जी? सबसे पहला सब मल्चिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये जो मेरा टमाटर है जून का लगा हुआ है, जून में मैंने इसमें बीच में ड्रिप डाली है, सिंगल ड्रिप डाली है और मल्चिंग पे लगा दिया, तो पानी एक तो वाष्पीकरण कम होता है, दूसरा हाई टेम्परेचर के कारण इसके अंदर अंदर ही अंदर ह्यूमिडिटी बनती रहती है, तो इसके अंदर नीचे से जो इल्ली आती है, जो ज़मीन के अंदर की इल्ली रहती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर होता है। ब्लैक पार्ट इसका अंदर रहता है, सिल्वर फॉइल ऊपर रहती है, मतलब डबल कलर में आती है ये। एक तो सबसे फंगस बिल्कुल भी नहीं होता, फंगस वाली बीमारियां बिल्कुल भी, जड़ वाली जो फंगस लगती है वो नहीं के बराबर होती है। मतलब सर ये कह रहे हैं कि जितनी भी ये इसके नीचे की जमीन है इसमें जो बीमारी आती है वो नहीं आएगी, आने वाली बीमारियां सब खत्म हो जाती है। और मेरे साथ मेरे जो बॉस हैं मनोज यादव जी, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में मेरे ऑफिसर, इन्होंने ही मेरे को सलाह दी है कि आप मल्चिंग पे कार्य करें। मल्चिंग पे दोस्तों अपने को अपने इंदौर ब्लॉक के अंदर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से अगर हम बिल वाली मल्चिंग लेते हैं कंपनी से, तो उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड होती है हेक्टर के हिसाब से। एक हेक्टेयर पे कितना सब्सिडी? वो सर बता पाएंगे। अच्छा मनोज जी, थोड़ा मल्चिंग पे सब्सिडी और हमारे किसान भाई कैसे फायदा ले सकते हैं, थोड़ा मल्चिंग आइए थोड़ा पास में। शासन का अभी के संरक्षित खेती के लिए बहुत ही ज्यादा ध्यान है, क्योंकि जमीन का रकबा घटता जा रहा है, उत्पादन हमको बढ़ाना है, कैसे हम उत्पादन को बढ़ाएं इसको ध्यान में रखते हुए हमारा भी जो प्रोत्साहन रहता है किसानों के, वो संरक्षित खेती में जाएं। अब संरक्षित खेती में पॉली हाउस भी आ जाता है, सेडनेट हाउस भी आ जाता है, मल्चिंग भी आ जाती है, तो ये जो किसान अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकता है। मेरा तो यही उद्देश्य है कि मल्चिंग पे यदि किसान जाता है तो अपने उत्पादन क्षमता 2.5-3 गुना कर सकता है एक उसी एरिया में। तो इसमें सबसे पहले किसान को ड्रिप की आवश्यकता होती है, और अगर प्लास्टिक मल्चिंग जाता है तो प्लास्टिक मल्चिंग बगैर ड्रिप के मल्चिंग नहीं कर सकते हैं। तो शासन की तरफ से ड्रिप पर भी अनुदान है और मल्चिंग पे भी रहता है। इसकी जनरली कॉस्टिंग 16,000 रुपये आती है, 32,000 आती है, और 16,000 की सब्सिडी रहती है शासन की तरफ से, 50% सब्सिडी रहती है ना। जो पिछले साल DBT के माध्यम से आलोक जी हाडिया को हमने 1 हेक्टेयर में लाभ दिया था, इससे प्रोत्साहन होकर सरकार ने एरिया अपना और बढ़ा लिया है। लगभग 5 हेक्टेयर में मल्चिंग करते हैं साहब। इस बार लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा एरिया नहीं बढ़ा पाए, और थोड़ा बरसात भी हो गई इस वजह से, लेकिन हर साल इनका 5-6 हेक्टेयर में मल्चिंग पे खेती करते हैं। सर का बहुत अनुभव है इस चीज़ में कि कैसे कौन सी फसल कब लेना है, इसके अभी टमाटर लगाया, टमाटर के बाद अब मल्चिंग में कौन सी फसल करनी है, तो सर इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और हम सभी सर से सीख रहे हैं। अच्छा सर, ये आपसे एक प्रश्न है आइडिया जी से कि जहाँ मल्चिंग आपने नहीं लगाई है वहाँ और यहाँ जो आपने लगाई है इसमें आपका क्या अनुभव है? तो वीड्स देखें आप, मतलब खरपतवार जो हैं मल्चिंग के अंदर नहीं आते हैं, एक वो लेबर कॉस्टिंग बच जाती है। अच्छा, खरपतवार नहीं बिल्कुल भी नहीं आते मल्चिंग का। सबसे बड़ा एक मेरे को एडवांटेज जो मिला वो जो फसलें फंगस हो रही है, और उसके बाद खरपतवार का फ़ायदा मिला। बीच का जो पाथ रहता है इसकी खरपतवार हम निकाल लेते हैं, और पौधे को हम जो न्यूट्रिशन देते हैं ड्रिप के माध्यम से वो पूरा उसको मिलता है, और खरपतवार को बिल्कुल भी नहीं मिलता। अदरवाइज यूरिया या कुछ भी देते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन तो हमारी घास को या इनको सबको जाता है, वो सब बच जाता है, और फिर कंपटीशन भी बच जाता है। हाँ, पतवार नहीं आएगी तो अपना उत्पादन अपने आप ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है 100
100% बढ़ता है। दूसरे अपन बात करें, यहाँ पर आपने चिली में भी लगा रखा है और टमाटर, इसमें सकिंग पेस्ट जो होते हैं जी जी, ये मल्चिंग कुछ रोकती है क्या इसको? हाँ जी, सकिंग पेस्ट के लिए। हाँ जी, सकिंग पेस्ट में भी फर्क पड़ता है। जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता है सर, जैसे ये इस समय का टेम्परेचर है, तो ये जब गर्म होता है तो ये सकिंग पेस्ट को भी खत्म करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जी 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 जी। दूसरा, अपन स्प्रे भी इसके ऊपर करते होंगे? हाँ जी बराबर। यहाँ बहुत बार मतलब आप समझ लीजिए, अगर इस तरह की कोई भी खेती करना है तो हमें सप्ताह में एक बार वाइट फ्लाई, ग्रीन फ्लाई खासकर ये, इनके लिए स्प्रे करना ही पड़ेगा। इल्ली तो खैर अभी इस साल नहीं लगी, क्योंकि रोज पानी गिर रहा है और बड़े प्रेशर से पानी गिर रहा है, इसलिए टमाटर में मेरी इल्ली इस बार नहीं लगी। मगर वाइट फ्लाई और ग्रीन फ्लाई के लिए तो बराबर ट्रैप लगाना पड़ते हैं, येलो ट्रैप जो चिपकने वाले पन्नियाँ और ये सब लगा के करना पड़ता है, स्टिकिंग वाले। ये फ्रूट की क्वालिटी में कोई असर पड़ता है नॉर्मल मल्चिंग? बहुत बहुत, जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। मतलब ये कि क्वालिटी अच्छी मिलेगी और जो जो इल्ली उसको करती है डंक या जो, तो मतलब प्योर मिलता है, प्योर मिलता है। मार्केट का रेट कुछ अंतर मार्केट में? सर एसएस तो सर इतना अंतर नहीं देखने को मिला मार्केट में रेट में। वैसे मैं जैविक पे भी करता हूँ। अच्छा अच्छा। एक अमृतम करके बनाते हैं और दो तीन प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं ना, सीधा सीधा ये कि गाय के गोबर को गला के और उसका पानी छान के चलाएं तो पूरी खाद मिल जाती है। हुमिक जिसको कहते हैं हम, जो चाइना से हुमिक बन के आता है, वो हुमिक अपन खुद ही बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट बना के गोबर गोबर को छान के। उसके बाद गाय का गोबर, गाय की छाछ, एक वो जो जैविक बना के और इसके अंदर गुड़ और बेसन डाल के और इसको हम मल्टीप्लाई करके वो बैक्टीरिया भी चलाते हैं मेरे यहाँ बिल्कुल वेंचुरी से। सप्ताह में एक बार मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं खाद चलाऊँ 1919, 1952, 1934 या 1955 इनके बाद में ये बैक्टीरिया को किल करती हैं रासायनिक खाद, इसके बाद में एक साइकिल में हम उनको ज़रूर चलाते हैं। अच्छा अच्छा। तो बैक्टीरिया से अच्छा, आजकल इस बार इफ्को ने एनपीके कंसोर्टिया के नाम से एक बैक्टीरियल खाद बनाई है जिसमें एनपीके है। वो आप 250 ग्राम लेके आए और उसको 200 लीटर के ड्रम में डाल के आधा किलो गुड़ आधा किलो बेसन डाल के और उसको छोड़ दें और रोज एक बार रोटेट करें, 7 दिन बाद आप देखेंगे कि उसके अंदर फेस आ जाता है, अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि बैक्टीरिया डेवलप हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। आप उनको चलाओ, उनका बिल्कुल असर दिखता है। हालांकि ऑर्गेनिक अभी हिंदुस्तान या इंदौर में ऑर्गेनिक वाला वो पैटर्न नहीं आया, मगर हमारी कोशिश रहती है कि हम ऑर्गेनिक पे जाएं, है ना जी। सर वैसे 2 मिनट में आप टमाटर का थोड़ा खेती है उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इसको अपन कैसे लगाते हैं और कब लगाते हैं, कैसा इसका मैनेजमेंट है, वो वेराइटी क्या होनी चाहिए? जी वेराइटी का तो क्या है कि इंदौर के आसपास का कोई किसान है तो अपने को मंडी से वेराइटी मालूम पड़ जाती है। जो भी जहाँ का भी किसान हो उसके अपने मंडी से, उसको मंडी में थोड़ा सा जांच ले कि कौन सी वैरायटी चलती है। हमें टमाटर ऐसा चाहिए जो कैरेट में जाए और 2 दिन तक टिके मंडी में। अच्छा। आज अगर माल नहीं बिका, आज अगर 300 कैरेट आ गए सपोज़, तो हमारा माल अगर रह गया है तो कल वो बिक जाए, वो बिल्कुल पीला नहीं होना चाहिए। टमाटर की खेती में सर थोड़ा सा ये है कि खाद पे थोड़ा ध्यान देना। अभी जिस स्टेज पे हैं इसके अंदर, एक दिन हम 1919 चलाते हैं, 1919 सेकंड डे 0-52-34 चलाते हैं और तीसरे ये हमको इसमें फ्रूटिंग भी चाहिए, फ्लावरिंग चाहिए और इनकी ग्रोथ भी चाहिए। तो 1919 ग्रोथ बढ़ाता है, 0-52-34 जो है वो इसके अंदर फल का जो साइज बनाता है और 0-0-50 जितने जो बड़े फल हो चुके हैं उसको बिल्कुल स्टिक करके और लाल करता है, शाइनिंग ला के देता है। तो कब देना चाहिए? सब तीनों एक साथ ही देना चाहिए, इनका कुछ डे फिक्स है? हाँ, हमारा एक दिन छोड़ के एक दिन हम ये केमिकल खाद चलाते हैं। आज अगर 1919 चलाया तो कल का दिन छोड़ के परसों 0-52-34 और उसके बाद 0-0-50। ये इसलिए चलाना पड़ रहा है कि वो अभी तीनों स्टेज में, ये ग्रोइंग स्टेज में भी है, फ्रूट में भी और फ्लावरिंग फ्लावरिंग में भी इसलिए हम चला रहे। नहीं तो 19 पहले लगाने के बाद तो हम एक पहला शुरू के मंथ जो है 19 सप्ताह में 2 बार देते हैं, एक दिन हुमिक देते हैं, कभी आपके पास लिक्विड में अगर वो हो कॉपर सल्फेट हो CuSO4 या वो घोल बना के चला दें। अगर आपको कैल्शियम की कमी आ रही है तो चूने का पानी का घोल बना के उसको ड्रिप में चला दें। अच्छा, वो भी काम, वो भी काम करता है, वो भी चूने का पानी भी काम करता है। 1200 लीटर के ड्रम में आधा किलो चूना अगर डाल दें और उसका पानी दो से तीन दिन के बाद उसको एक्सट्रैक्ट कर लें तो वो कैल्शियम का काम भी करता है, कैल्शियम भी हमें ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। दूसरा ये है कि थोड़ा ये ब्लाइट अभी आ रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि अल्टरनेटिव ब्लाइट रोज आ रहा है, रोज पानी का गिरने के कारण हम दवा का स्प्रे नहीं कर पा रहे। दो तरह की आती है, एक तो अर्ली ब्लाइट आती है, एक लेट ब्लाइट आती है। टमाटर में जनरली वाइट फ्लाई के कारण आती है, इसके लिए हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वाइट फ्लाई के
कुछ एंटी फंगल, इनको दोनों को मिला के स्प्रे करते रहते हैं वंस इन ए वीक। हालांकि एक एक वीक में एक बार होना चाहिए, मगर अभी पानी गिरने के कारण हो नहीं पाया, इसलिए ब्लाइट दिख रही है। अच्छा अच्छा, मगर करना तो पड़ेगा सर, अगर आपको प्रोडक्शन लेना है तो सप्ताह में एक बार तो आपको दवाइयाँ डालना ही पड़ेंगी। और ये कितने, एक साल लगभग चलता है टमाटर? नहीं, छः महीने की हम फसल मान के चलते हैं। ये जून में लगा है, ये मैक्सिमम हमको जनवरी फरवरी तक देगा। हम इसके पहले दूसरा प्लॉट तैयार कर लेंगे जो गर्मी चले, यानी हम छः महीने की एक फसल मानते हैं और छः महीने अगली फसल के लिए। फिर मनोज जी हमारे साथ है तो अगली बार फिर मल्चिंग करके मल्चिंग का वापस बिल लगा के, भले वो पेमेंट सरकार का कभी भी आए, मगर हम इनको दिखा के एक बार सर के साथ फोटो खिंचाना पड़ता है कि ये मल्चिंग बेड की लगी है, सर्टिफाइड करते हैं, वेरिफिकेशन होता है। हाँ नहीं सर, हमारे इस मामले में बड़े वो हैं कि वेरिफिकेशन बिना किए बिना फोटो लिए मानते नहीं, तो हम अगला बेड अगला जो जब भी तैयार करेंगे विद इन अ मंथ, अगर पानी नहीं आया तो एक महीने के अंदर तैयार कर लेंगे, तो अगला जो भी रहेगा तो अगली प्रोसेस के लिए हम फिर टमाटर लगाएंगे। अच्छा एक मेरा सवाल यह था, अच्छे रेट के लिए कब हमको इसको लगाना चाहिए, अगर थोड़ा अच्छा रेट चाहिए अपने को तो? जी, सोविंग रेट क्या रखनी चाहिए? नहीं सर, रेट का टमाटर का ऐसा है, मैंने जो दो साल से अनुभव किया, आप तो लगाते रहें रेट तो मिलेगा। 800 और 900 रुपये कैरेट भी मिल जाता है, अभी लॉकडाउन की स्टेज में 800 रुपये कैरेट भी, जब मेरे पास टमाटर नहीं था मगर 800 रुपये कैरेट भी चला गया, और अभी भी टमाटर का भाव 600 रुपये कैरेट है, तो कुल मिला 600 रुपये का 20 किलो। तो कोई बुराई नहीं है, हम तो साल भर आप ये मान के चले कि एक बीघा ज़मीन में आधा बीघा अभी लगा लिया, आधा बीघा 6 महीने बाद लगा लिया, तो आपको 800 रुपये कैरेट का एक एवरेज मिला, 10 रुपये किलो तो आपका कहीं भी नहीं गया। मतलब किसानों की आय इससे बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। तो चलिए दोस्तों, ये हडिया जी थे और मनोज यादव जी उद्यानिकी विभाग से थे, जिन्होंने थोड़ा सा ग्राम मुंडला जोरदार उज्जैनी के पास में, ये जो नर्मदा शिप्रा लिंक है इसके पास में ही मेन रोड पे मेरी खेती है। कभी भी आप आ सकते हैं, इन्होंने बहुत सारा और लगाया यहाँ पर, अगर कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपके साथ बनाएंगे। वीडियो